मार रहे पुल पर कई बच्चों के साथ दिन से मार रहे बेटे दो तीन दिन से मार रहे वो क्या कि सर का नाम उनका हो गया कि कौन है नहीं नाम नहीं दस रुपए भी मार के लेता मेरा बच्चा दस रुपए भी कौन कौन मारे माँ आप लोग माइक उसका खेलना करना है उन्हें वही जाता वो बाजा बजाया तो पैसे वैसे लुटाए वो बच्चे बच्चे क्या सोचेंगे ऊपर गया भी नहीं बोला ऊपर अल्लाह यार खून गया बच्चे के और ये देखो होटा मुंह पूरा बूढ़े हुआ पचड़ा मार रहे थे परफॉर्मेंस करते हैं बल्कि 40,000 बोले मैं बोली 40,000 कौन बोले कंपरमाइज करते वो जिसका पैसा चले गया हमारे 2.5 लाख गए थे 2.5 लाख रुपए में से हम खर्चा करे पलंग सजाए फूला वालों को दिए वो दिए बाजे वालों को दिए ये सब बात बिठा के दीवान खाने भाई और घर वाले दीवान खाने में बिठा के बोले तो मैं अब भी 8 बजे पैसे देखिए इनको बच्ची के कान के बालियां रखा के आप चल सकते हैं राइन सेंटर में राइन सेंटर में देखो आप कल के आज की डेट है मेरे कल रहन रखा के मैं बोली 20,000 पे डल हुए 20,000 दे दो तुम बोले 20 नहीं 15,000 है मैं कल काम पे जाके मेरा बच्चा मेरे घर को आ गया तो मैं कल काम पे 5,000 और 5,000 जमा करके देती हूँ बोल के भी बोल के उनको वही इतना मार के डाल इतना मार सोचे अल्लाह को मालूम हमारा बच्चा तो अंदर नहीं गया मैं वही था हमें दूसरे बच्चे जाके लैपटॉप ला लिए साइकिल चला रहा था हमी मई वही नीचे सीढ़ियों करे था बोल के बोला मैं ऊपर नहीं गया बोले तभी पूरे बच्चे इनके ऊपर डाल दिए सब सामान है लैपटॉप वो है सब बच्चे दूसरे ले लिए जिसके उसके घरों को चले गए इन्हों कुछ भी नहीं लाए नहीं लाए बोल के इन्हों बोल रहे दूसरे दिन बच्चा वो बच्चा पुलिस वाले पकड़ रहे तो इनको क्या करे शहबाज को फंसा दिए पैसे कितने 1700 या 1600 रुपए नोटा थे पुराने नोटा रहते नहीं 100 के वो नोटा शहबाज के ला के रखा दिए शाम में सुबह में 12 बजे पुलिस वाले आ गए तो हमारे शहबाज को उन्होंने फोन करके क्या बोलते हैं मैसेज डाले शहबाज बोले हमारे के पैसे तुम्हारे ले लेके जाओ तो मैं 4 बजे तक आके लेके जाता हूँ शहबाज कहाँ की गली में ला के दियो शहबाज को बोले शहबाज वो उठे उठे तक ये तमाशा हो गया 12 बजे पुलिस आ गई आपके बच्चे की उम्र कितनी है माँ 13 साल खत्म हो गए 14 लगे 14 साल क्या करता बच्चा आपका स्कूल को कभी जाते कभी नहीं जाते आपके बच्चे के साथ क्या हुआ बहुत मारे पेट में लाता मारे फुटबॉल बच्चा MLC को बेवा है आता उसके बाद में रिपोर्ट करके हम लोग धरना देने वाले हैं यहाँ पे और मेरे बुला के बोले तुम्हारा कंपरमाइज हो जाता बच्चे की लाइफ नहीं खराब करते मैं बोली लाइफ न को खराब करो मेरे बच्चे की आपका बच्चा क्या करता स्कूल को जाता बच्चा कौन सी क्लास में छठवीं में क्लास में तो उनके उनके वाली साहब नहीं है मैं घरों में काम करके बच्चों को बड़े कर रही हूँ वो बच्चे को ऐसा फंसा दिए कहाँ कहाँ मारा लगे बच्चे को पेट में लाते मारे शोल्डर पे लोस दिया खून जा रहा सर में से खून यहाँ से आ गया रात कल मारे उसको नहीं बोला पूछे तो भी नहीं बोला मेरा भाई की टी शर्ट में हटा किया लोचे तो देखी तो मेरा भाई मेरे को फोन रहा थी मैं उसकी टी शर्ट उठा के देखी तो बोला है उसके पीठ पे और वो घर वाले को वैसे लेके चले गए मुँह नहीं धोया कुछ भी नहीं धोया नींद में सोटा कर उसको ऐसे लेके चले गए बोले नहीं करे नहीं आए परमिशन नहीं लिए घर में घुस गए पूरे चिंदिया निकाल के सब झटक के देख रहे ऐसा कितना पैसा लाया उन्हें गया दे चोरी करा दे उसके नाम पे पूरा इल्जाम डाल दिया बच्चों को दूसरे बच्चों को नहीं मेरा भाई भी लाहौल कुमार देखे वास्ते दूसरों के बच्चे नहीं मिले क्या मेरा भाई क्या गुनाह करा और मार भी जाएंगे।
एक जने देखो मैं पूरे मिलकर तुम्हारा जन था एक जने सर बोलो कौन है आप एक जने बात करो बोलिए बोल सकता वहीं खेलता हर वक्त वहीं खेलता कहाँ रहते आप लोग वहीं जिसका खेलना करना है उन्हें वहीं जाना बाजा बजा दो पैसे वैसे लुटाए वो बच्चे बच्चे क्या सोचेगी ऊपर गया भी नहीं बोल रहा है ऊपर गया भी नहीं अम्मी मैं जी ऊपर गया भी नहीं मैं नीचे था दूसरे बच्चे मेरा नाम निकल गया तो कौन मारे नीचे ठहरे हुआ था अम्मी मैं नहीं गया नहीं चुका आंटी कौन मारे उनको पुलिस वाले पीएस आठ बजे मेरे बच्चे देख सकी कितने दिन से कर रही है दो दिन से सुबह 10:30 बजे जो रहता ना उन्हें इंसाफ करने वाला है मार रहे बच्चे तो बहुत ज्यादा ही नहीं पहले बुला के आप लोग बात नहीं करे फैमिली वालों को ही पुलिस वाले पहले एक बच्चा फोन करके इनको पैसे रखो भाई बोला 100 के नोटा 1300 रुपए थे ये मेरे बच्चा नहीं चुराया रखो बोल के बोले फिर इन्होंने मैसेज डाल के बोले आके तुम्हारे पैसे ले लेके जाओ मैं नहीं रखता बोले तो मैं 4 बजे तक आ रहा बोले तक 12 बजे पुलिस वाले जा गए घर पे आए आपके आपके बच्चे की उम्र क्या है 14 साल है 13 खत्म होके 14 लगे अभी क्या नाम है बच्चे का क्या करते हो स्कूल को जाते हैं कभी जाते कभी नहीं जाते खेलने में दिमाग रहता वाले साहब नहीं है उनके अभी कैसी है बच्ची हो रही थी बाजा फुल बज रहा था पैसे लुटाए और लुटाए बाद में बच्चे क्या सोचे अल्लाह को मालूम हमारा बच्चा तो अंदर नहीं गया मैं वहीं था अम्मी दूसरे बच्चे जाके लैपटॉप ला लिए साइकिल चला रहा था अम्मी मई वही नीचे सीढ़ियों का नहीं था बोल के बोल रहा मैं ऊपर नहीं गया बोले तो अभी पूरे बच्चे इनके ऊपर डाल दिए सब सामान फिर सब बोलो सब सामान है लैपटॉप वो है सब बच्चे दूसरे ले लिए जिसके उसके घरों को चले गए इन्हों कुछ भी नहीं लाए नहीं लाए बोल के इन्हों बोल रहे दूसरे दिन बच्चा फोन एक 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 बच्चा पुलिस वाले पकड़ रहे तो इनको क्या करे शहबाज को फंसा दिए पैसे कितने 1700 या 1600 रुपए नोटा थे पुराने नोटा रहते ना 100 के वो नोटा शहबाज के ला के रखा दिए शाम में सुबह में 12 बजे पुलिस वाले आ गए तो हमारे शहबाज को उन्होंने फोन करके मैं क्या बोलते रिकॉर्डिंग पे मैसेज डाले शहबाज बोले हमारे के पैसे तुम्हारे ले लेके जाओ तो मैं 4 बजे तक आके लेके जाता हूँ शहबाज कहाँ की गली में ला के दियो शहबाज को बोले शहबाज वो उठे उठे तक ये तमाशा हो गया 12 बजे पुलिस आ गई की उम्र कितनी है 13 साल खत्म होकर 14 लगे क्या करता बच्चा स्कूल को कभी जाते कभी नहीं जाते आपके बच्चे के साथ क्या हुआ बहुत मारे पेट में लाता मारे फुटबॉल खेलते पुलिस वाले माले आता उसके बाद में रिपोर्ट करके हम लोग धरना देने वाले समोसा खिला के दूंगी हमारे और बोले तुम्हारा कंपर में सो जाता बच्चे की लाइफ नहीं खराब करते मैं बोली लाइफ न को खराब करो मेरे बच्चे की स्कूल को जाता बच्चा छठवीं में क्लास में उनके वाली साहब नहीं है मैं घरों में काम करके बच्चों को बड़े कर रही हूँ वो बच्चे को ऐसा फंसा दिए मारा लगे बच्चे को पेट में लाता मारे शोल्डर पे लोच दिए कान में से खून जा रहा कान में से खून गया कल मारे उसको नहीं बोला पूछे तो भी नहीं बोला अब मेरे भाई की टी शर्ट में हटा किया लोचे तो देखी तो मेरा भाई मेरे को बोल रहा नहीं मैं उसकी टी शर्ट उठा के देखी तो बोला है उसके पीठ पे बोल रहा नहीं मारे बोल के आज फिर मारे उसको आज तो बहुत मारे उसको गलीस गालियां देके बोल रहे करते मैं फुटबॉल बना के मारता देखो फुटबॉल खेलता तेरे साथ बोले करते उसको एक समोसा खिला के एहसान करके मार दिए क्या सुबह से बच्चा खाना नहीं खाया ऐसा दिन वैसे ले लेके चले गए मुंह नहीं धोया कुछ भी नहीं धोया नींद में सोटा कस वैसे ले लेके चले गए बोले नहीं करे नहीं आए परमिशन नहीं लिए घर में घुस गए पूरे चिंदिया निकाल के सब झटक के देख रहे ऐसा कितना पैसा लाया उन्हें गया चोरी करा दी उसके
उसके नाम पे पूरा इल्जाम डाल दिया बच्चों को, दूसरे बच्चों को नहीं मारे। मेरा भाई भी लाहौल को मारने के वास्ते दूसरों के बच्चे नहीं मिले क्या? मेरा भाई क्या गुनाह करा ऐसा? बोला बोलो लोग को पैसे लिए सौंप लिए क्या है? ठहरो जी, 40,000 बोले मैं बोली 40,000 वो जिसका पैसा चले गया हमारे 2.5 लाख गए थे, 2.5 लाख रुपए में से हम खर्चा करे, पलंग सजाए, फूला वालों को दिए, वो दिए, बाजे वालों को दिए, ये सब बात बिठा के दीवान खाने भाई और घर वाले दीवान खाने में बिठा के बोले तो मैं अभी 8 बजे पैसे दे के इनको बच्ची के कान के बालियां रखा के आप चल सकते हैं राइन सेंटर में, राइन सेंटर में देखो आप कल आज की डेट है, चिट्ठी भी है मेरे के लिए राइन रखा के। मैं बोली 20,000 पे डल हुए ला, 20,000 दे दो। तुम बोले 20 नहीं 15,000 में कल काम पे जाके मेरा बच्चा मेरे घर को आ गया तो मैं कल काम पे जाके 5,000 जमा करके देती हूँ, बोल के भी बोल के उनको भाई इतना मार के डाल तो बोले माँ कर देंगे, बोले जिसके पैसे जी वो आईनक पे जा रहे हैं, वाले बोले कितने पैसे दिए बोले आपको? 40,000 बोले। मैं बोली 40,000 वाले पैसे दिए बोल गए अभी भाई पैसे दिए तो कंप्रोमाइज कर दिया। पैसे किस दिया आप लोगों को? चावल के लिए ना पुलिस को देना बोल दिया। पुलिस को नहीं, हमारा जो गया वो दे दो, हमने कंप्लेंट वापस ले लेते बोले। जितने बच्चे उस वक्त अम्मा अंकल से ले रही बोले तो मैं 15,000 रुपए उनको बालिया रखा के देखे मेरे बच्चों को इतना मार डाले कुत्ते को मार डाले तो मारना पेटों में लाता। अरे उमर कमर सब निकाल देंगे, खामोश बैठ जाओ।